हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रीति मेकअप। तो आज मैं आप लोगों के साथ सल गेंदा फूल जैकलिन फर्नांडीज़ का मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सभी इस लुक को क्रिएट कर रहे हैं, सभी यूट्यूबर क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, इस एक लुक को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे। आप देख ही सकते हो, बैकग्राउंड देख ही सकते हो, मुझे कहाँ जाकर मेकअप करना पड़ता है। इस टाइम लाइट भी ख़राब है, लॉकडाउन की वजह से मेरी रिंग लाइट भी नहीं बन पा रही है। तो आप लोगों के लिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज इसे लाइक करके जाया करिए, आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये लुक मैंने सिंपल तरीके से क्रिएट किया है, मैंने कुछ ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाए हैं, 2-3 आई शेडो मैंने अप्लाई किया जस्ट उन सब चीज़ों से। यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से ये लुक क्रिएट हो जाता है। आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, और कुछ भी आपको थोड़ा भी इसमें अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आप लोग एक लाइक करते हो ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो स्टार्ट करते चलिए। सबसे पहले मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का मिस्ट, इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे स्प्रे करके कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। देन मैं यहाँ पे लूँगी NYB का कंसीलर, इसको मैं अपने आई पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो, फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो। देन मैं यहाँ लूंगी अपना लैक्मे का कॉम्पैक्ट, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इसी से मैं अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूंगी। आप चाहो तो लूज पाउडर भी ले सकते हो। इसके बाद मैं लूंगी विल्टन वाइट का आई शेडो पैलेट, इसमें से मैंने पिंक वाला सेट पिक किया है। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक आपको अच्छे से अप्लाई करना है, आईलेट के ऊपर छोड़ देना हल्के हल्के से ब्लेंड करते हुए। यहाँ पर मैं लूंगी गोल्डन वाला सेट, आईलेट भी लगाना, आधे में ही लगाना, पूरे में नहीं लगाना, हल्के हल्के से लगा के इसी तरीके से अपना छोड़ देना आपको। इसके बाद मैं लूंगी जेल लाइनर, जेल लाइनर को आपको ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं लगाना है, वीक लाइनर नहीं ड्रॉ करना, इसी तरीके से लगा के छोड़ देना है। और इसके बाद जैकलिन जी की आई जो थोड़ी सी मुझे स्मोकी दिख रही थी, तो मैं एक पेंसिल ब्रश से हल्का सा आउटर कॉर्नर पे हल्का हल्का सा ब्लेंड करूंगी। इसी पेंसिल को मैं सेम काजल के रूप में अप्लाई करूंगी, कोई भी काजल नहीं लगा रही, जो इसमें लगा हुआ था ब्लेंड करने में बस उतना ही मैं लेके इसी में आई में अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। फिर मैं ब्राउन शेड पिक करूंगी और हल्का हल्का सा सेम पेंसिल ब्रश से ब्लेंड कर लूंगी। ध्यान रखिएगा कोई भी काजल मैंने नहीं अप्लाई किया है। फिर वही जेल लाइनर से मैं अच्छे से अपनी आईब्रो को फिल कर लूंगी हल्के हल्के से, और एक ब्रोकॉम की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ VLC का सीरम, जो अच्छा है, आपके फेस पे एक थोड़ा सा वाइटनिंग का काम भी करता है और बहुत ही जल्दी से आपकी स्किन में ड्राई भी हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। इसी तरीके से मैं सीरम को लगा लूँगी। फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइज़र, जो मेरा ऑल टाइम का फेवरेट है, इसको अच्छे से मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। देन मैंने लिया है मेबेलिन फिट मी 230 मेरा फाउंडेशन है, इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। जैकलिन जी का जो मेकअप था थोड़ा सा मैट में था, बिल्कुल नेचुरल था, ज़्यादा लाइट नहीं, ज़्यादा शाइन नहीं, और बिल्कुल देखने में नेचुरल दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने मेबेलिन फिट में लिया है। ये बिल्कुल लाइट वेट है, काफ़ी अच्छा से वर्क करता है आपके फेस पे और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देन मैं अपने नेक को अच्छे से ब्रश से ब्लेंड कर लेती हूँ ब्रश की हेल्प से। यहाँ पे मैं कॉन्टोर सेट ली हूँ, जो है मेरा सेट 7, इससे मैं अपने पूरे फेस को कॉन्टोर करूँगी। उनका फेस काफ़ी अच्छे से कॉन्टोर था, ज़्यादा कॉन्टोर नहीं था बट कॉन्टोर है। नोज़ को मैं फिंगर से ब्लेंड करूंगी और चिक वगैरह को मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी, जो है मेरा ब्लू हेवन का बहुत ही अच्छा ये ब्लेंडर है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे से जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोर किया वहाँ पर अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने अपने बाल को किस तरीके से कर्ल किया तो कमेंट करके वो भी बताइएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देन मैंने लिया है हाईलाइट करने के लिए कंसीलर सेम NYB का, इसको भी मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, क्या बोल जाते हैं यार। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं अपने बालों को कर्ल की हूँ, कोई भी हीट का काम नहीं किया है, ना ही कोई भी कलर का काम किया। कलर जो आते हैं मार्केट में बाल को रोल करने वाले, उन सब चीज़ों का मैंने यूज़ नहीं किया, घर में बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैंने किया। अगर आप जानना चाहते हो तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं ले रही हूँ सेम लैक्मे का कॉम्पैक्ट, इससे मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ सीज ब्यूटी का हाइलाइटर और ब्लशर वाला सेड, इसी से मैंने पिंक वाला सेड, बिल्कुल लाइट पिंक ब्लशर लगाना, आपको ज़्यादा डार्क नहीं लगाना, हल्के हल्के से लगा के फिर मैं हाइलाइटिंग करूँगी। बिल्कुल लाइट वाला सेड लिया हाईलाइटिंग के लिए, पहले आईब्रो के नीचे, फिर इनर कॉर्नर पे, फिर नोज पे, फिर लिप्स पे, फिर चिक्स पे, बिल्कुल हल्का हल्का आपको हाईलाइटिंग करनी है, ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं करनी है, नेचुरल तरीके से करना है जैसा मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आपको लगा लेना है।
देन मैं लूँगी एनवा सॉरी 10 रुपीज़ की लिप लाइनर जो मैंने लोकल मार्केट से ली थी, बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद है 10 रुपीज़ के हिसाब से। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। तो ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी अच्छी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।